तो आ गए आप लोग, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं सुमन अस्वाद, आप देख रहे हैं सही मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने आगे एक और क्लिप देखी होगी कि यहाँ पे जो है एक लड़की को तीरों पे लिटाया जाता है और तीर जो है उसके कमर के आर पार चला जाता है, और फिर भी लड़की जो है जब उसे बाद में निकालते हैं तो वो जिंदा बचती है, यानी कि आपको जिंदा दिखती है। तो बस इसी मैजिक का राज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये मैजिक जो है बहुत सारे स्टेजों पर जो है किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए सीधा लेके चलता हूँ आपको इस मैजिक के ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे, इसका राज आप लोगों के सामने खोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि मैजिक जो है दो तरीके से होता है। आजकल जो तरीका चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक ही तीर पे जो है लड़की को लिटाना और उस तीर को लड़की के आर पार करना। और पहले जो दिखाया जाता था वो ये दिखाया जाता था कि बहुत सारे तीर होते थे, उसमें से बीच में एक बड़ा सा तीर होता था, उस पे लड़की को लिटाया जाता था और वो लड़की के आर पार किया जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस मैजिक का राज, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बने रहना वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैजिक चाहे आप किसी भी तरीके से करो, दो तरीके में से किसी भी तरीके को ले लो, पर उसका मैकेनिज्म जो है करने का तरीका जो है ट्रिक है वो सेम है, ठीक है। बस इसमें यह है कि बहुत सारे तीर होते हैं, एक तीर बीच में बड़ा होता है, और आजकल जो चल रहा है उसमें यह है कि एक ही तीर होता है, उसी पे लड़की के आर पार किया जाता है। तो तरीका दोनों का सेम है, समझाऊंगा आपको कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर बहुत सारे तीर होते हैं और बीच में एक बड़ा सा तीर होता है, तो यहाँ पे जो और तीर होते हैं जो आपको नुकीले दिखाई देते हैं, ये तीर जो है जो नुकीला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये रबड़ का है, स्पंज का है, ये कोई नुकीले नहीं है, बस फेक वहां पे लगाए गए हैं, खाली दूर से ऐसे दिखते हैं कि ये बहुत नुकीले हैं, बट ये नुकीले होते नहीं हैं, ये बस स्पंज के होते हैं, आराम से ये जो है दब जाते हैं। आपको यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा ये जो नुकीला वाला हिस्सा है, ये आराम से मुड़ रहा है और आराम से ये मुट्ठी में जो है दब जाता है और उठ भी जाता है, यहाँ से निकल भी जाता है। इसके अंदर रखे गए होते हैं और ये स्पंज के होते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इससे निकल भी जाते हैं, इस प्रकार से इस पे वो रखे हुए होते हैं। तो दोस्तों अब आता है मीन वाला पॉइंट, जो मीन वाला डंडा होता है, बीच में जो मीन वाला तीर होता है जो आजकल भी दिखाया जाता है एक ही तीर से, तो ये होता है इस पर स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। अगर इसे आप ऊपर से प्रेस करोगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर जो है स्प्रिंग लगी हुई होती है, जैसे इसके ऊपर लड़की को रखते हैं तो ये नीचे चला जाता है, कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे इसको प्रेस करोगे तो स्प्रिंग के कारण से ये जो है नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरा जो राज होता है वो होता है लड़की की कॉस्ट्यूम में, यानी कि लड़की की ड्रेस में। यहाँ पे आपको बैक साइड से दिखाई दे रहा होगा, लड़की की ड्रेस के पीछे जो है आपको एक चमकीला होल दिखाई दे रहा है, जो कि वहाँ पे आपको आसानी से दिखाई दे सकता है कि लड़की की ड्रेस में जो है एक होल है। ये जो ड्रेस होती है स्पेशल मॉडिफाइड होती है और इसी मैजिक के लिए बनाई गई होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजदीक दिखाई दे रहा होगा, वो जो बीच वाला तीर होता है, बड़ा वाला तीर होता है, वो इसके अंदर फिट किया जाता है और इसके अंदर जो है वो लड़की को बैलेंस कर देता है। ये जो होल होता है ये लड़की के बीच सेंटर में लगाया गया होता है, इस ड्रेस पे ही होता है, और ये ड्रेस जो बाहर से पहनी गई है जिसे बहुत सारी लेयर आपको दिखाई गई है, इसके अंदर एक और ड्रेस होती है जिसपे कि अटैच होता है, ये लोहे का होल जो है अटैच होता है उस ड्रेस पे। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अंदर से ऐसी यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, ये स्पेशल बनाया गया होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स लोहा का है, तो ये ऐड किया गया है। इसके बाहर से जो है वो कॉस्ट्यूम पहना जाता है, वो रेड कलर के भी हो सकता है, ब्लैक कलर के भी हो सकता है, वो जो दूसरी ड्रेस होती है वो इसके बाहर से पहनी जाती है और उसके बाद जो है इसको परफॉर्म करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जादूगर के सहायक जो है लड़की को उस तीर पे डाल रहे हैं, यानी कि रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो जो होल है जो लड़की ने ड्रेस पहनी हुई है उसमें जो छेद है उसमें वो बड़ा वाला तीर जो है वो उनको अटैच करना है ताकि लड़की जो है बैलेंस हो जाए। यहाँ पे आपको ये जो स्प्रिंग वाला धार धार आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको तीर दिखाई दे रहा है धार धार वाला, ये जैसे ही इस पे टच होता है तो क्या होता है, स्प्रिंग के कारण वो नीचे चला जाता है और लड़की के शरीर में ये पाइप जो है एक प्रकार से फिट हो जाता है उस होल पे, यानी कि उस छेद पे जो है वो पाइप फिट हो जाता है और लड़की के बॉडी के बीचों बीच ये होल या ये ड्रेस पहनाई गई है, तो इस पे जो है लड़की का उतना ही बैलेंस इस साइड होता है और उतना ही बैलेंस उस साइड होता है, तो लड़की कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होती है। अब ये कैसे होता है दोस्तों, आप देखते होंगे कि लड़की के आर पार जो है, जैसे कि आपने आगे देखा, वो तीर जो है दूसरी साइड से बाहर आता हुआ दिखता है हमें, बट इसमें क्या ट्रिक होती है कि जो मीन वाला जो तीर होता है, डंडा होता है, उसमें आधे हिस्से पे स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जिसे कि जादूगर का सहायक ऑपरेट करता है। अब वो रिमोट से भी ऑपरेट हो सकता है और एक वायर से भी वो ऑपरेट हो सकता है, यानी कि एक तार के खींचने पे भी वो काम कर सकता है।
अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तार जा रखा है स्टेज से, जो कि जादूगर का सहायक जो है इस तार को खींचता है और लड़की के शरीर से जो है तीर आर पार हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जादूगर का सहायक बैठा हुआ है उस तार को पकड़ के। ये जो यहाँ पे जादूगर का सहायक आपको पीछे दिखाई दे रहा है, जैसे ही उस तार को वो खींचेगा तो ये स्प्रिंग मैकेनिज्म के कारण ये जो आपको डंडा दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये थोड़ा डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो तीर जो है लड़की के शरीर के आर पार हो गया है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, ये जो आपको लड़की के आर पार हुआ तीर दिखता है, ये एक्चुअली उसका एक अलग सा हिस्सा होता है जो कि उस कॉस्ट्यूम में मैग्नेटिक सिस्टम लगा के वहां पे रखा गया होता है। ये पहले लड़की के पर्सनल पॉकेट में छिपा हुआ होता है और जैसे ही स्प्रिंग के कारण वो बड़ा वाला वायर नीचे जाता है तो लड़की इसको वहां पे चिपका देती है और ये मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट होता है, चुंबक की तरह होता है ये वाला, तो ये ऊपर से इस होल पे आसानी से लड़की अपने हाथों से जो है वो लगा देती है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये आगे से इस प्रकार से चिपक जाता है, चुंबक होता है इस पे, तो ये आसानी से आगे से जो यहाँ पे चिपक जाता है। जैसे पीछे से होल होता है उसी प्रकार से आगे से भी छेद होता है, तो आगे वाला जो हिस्सा है ये पहले छुपाया हुआ रहता है और जैसे स्प्रिंग मैकेनिज्म काम करता है तो लड़की इसको आगे से चिपका। यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये और तीर होते हैं ये डुप्लीकेट होते हैं, ये स्पंज के बने हुए होते हैं, और जो मीन वाला तीर होता है जिस पर लड़की लिटाई जाती है वो ऐसे स्प्रिंग वाला होता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है उसकी ड्रेस पे जो है ऑलरेडी मैकेनिज्म बना हुआ होता है जिसपे कि वो बड़े वाले तीर को फिट करके लड़की अपने आप को बैलेंस कर देती है। यहाँ पे उसके लिए पूरा खांचा बना हुआ है उस तीर के लिए, ठीक है। तो ये पूरा ड्रेस में ही झोल झाल होता है, इस ड्रेस के अंदर से जो है ऐसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है और उसको जो है जादूगर यहाँ पे फिट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इसके ऊपर रखेंगे तो स्प्रिंग वाला जो धार धार दिखाई दे रहा था वो नीचे बैठ जाएगा और ये जो पाइप है वो लड़की के इस कॉस्ट्यूम पे एकदम फिट हो जाएगा और लड़की को इधर उधर नहीं गिरने देगा। अब इस प्रकार से जैसे ही होता है तो आपको लगता है कि तीर वहां से बाहर आ गया है, बल्कि स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इस प्रकार से स्प्रिंग लगा हुआ होता है इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे ही जादूगर का सहायक इसे खींचता है तो स्प्रिंग मैकेनिज्म जो है यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार से काम कर लेता है और लड़की के हाथ में जो एक्स्ट्रा पीस होता है ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, लड़की उसे जो है वहाँ पे चिपका देती है। ये वाला हिस्सा ये एक्स्ट्रा होता है, लड़की के पास होता है हाथों में और लड़की इसको जो है इस प्रकार से यहाँ पे लगा देती है और आपको लगता है कि लड़की के आर पार चला गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ट्रिक होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मैजिक का राज भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे इन तीरों पे लिटा के जो है लड़की के शरीर में तीर जो है आर पार हो जाता है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मैं ये ट्रिक सिखाता हूँ खाली आपकी नॉलेज के लिए, तो आप कहीं पे भी ऐसा काम ना करें कोई मैजिशियन शो कर रहा हो उसके बीच में आप उसे टोक लें, ठीक है। तो आप शो का मनोरंजन करें, आनंद लें, बस उसे बीच में ना टोकें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये राज जो हैं बड़े बड़े जादू जो हैं कैसे किए जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग इन्हें पहले बता चुके हैं, मैं तो काफ़ी टाइम बाद बता रहा हूँ, बहुत सारे चैनलों पे इनका राज जो है पहले से खुला हुआ है। तो अगर आपको मेरी तरफ से समझाई हुई ट्रिक अच्छी लगी या आपको समझ में आ चुकी है तो बस हमारे लिए एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने मेडिसिन दोस्तों के साथ और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।